हेलो दोस्तों, वेलकम टू टू मंत्रा। मेरा नाम है अमरिंदर कुमार। सो गाइस, इस वीडियो में आपको कैसे सेटिंग्स के बारे में बताना है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट सेटिंग्स है। और ये सेटिंग्स मोस्टली यूट्यूबर अपने वीडियो में नहीं करते हैं। अगर आप ये सेटिंग्स अपने वीडियो में करते हैं तो आपके वीडियो पर व्यूज़ तो बढ़ेंगे ही, साथ साथ आपके चैनल पर सब्सक्राइबर भी बढ़ना शुरू हो जाएंगे। सो गाइस, फाइनली इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि अलाउ एम्बेडिंग क्या है और अपने वीडियो में अलाउ एम्बेडिंग को ऑफ रखना चाहिए या ऑन रखना चाहिए। इस वीडियो में इसके बारे में ही जानने वाले हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आप इस चैनल पहली बार हैं और ऐसे ही YouTube लर्निंग और YouTube ट्यूटोरियल संबंधी वीडियो देखना चाहते हैं, इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। इस वीडियो में जो सेटिंग्स बताने वाला हूँ, ये सेटिंग्स इसलिए इंपॉर्टेंट होने वाली है कि मोस्टली यूट्यूबर इस सेटिंग्स की तरफ ध्यान ही नहीं देते हैं। सारा ध्यान अपने वीडियो के टाइटल, टैग, डिस्क्रिप्शन और थंबनेल के ऊपर देते हैं। अगर आप अपने वीडियो में इस सेटिंग्स को कर लेते हैं तो यकीन मानिए आपके वीडियो पर व्यूज़ तो बढ़ेंगे ही, साथ ही साथ अगर व्यूज़ बढ़ते हैं तो भैया आपके सब्सक्राइबर भी बढ़ेंगे। ये सेटिंग्स आपको हर एक वीडियो में देखने को मिल जाएगा। आप YT स्टूडियो ओपन करिए, उसके बाद आप अपने किसी एक वीडियो को सेलेक्ट करिए और वीडियो सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर पेंसिल आइकन पर क्लिक करना है। और यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि आपको यहाँ पर एडवांस सेटिंग्स दिख जाएगा और आपको नीचे में यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन ऑप्शन दिख रहा होगा, यहाँ पर अलाउ एम्बेडिंग दिख रहा होगा। देखिए यहाँ पर अलाउ एम्बेडिंग इनेबल है, यहाँ पर टिक किया हुआ है। तो आज इसी सेटिंग्स के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, ये सेटिंग्स ऐसी है कि किसी का भी ध्यान इसके तरफ नहीं जाता होगा। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आप इससे पहले इस सेटिंग्स के बारे में जानते थे या नहीं। दोस्तों, अलाउ एम्बेडिंग के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, हमारा वीडियो सबसे अधिक WhatsApp पर शेयर होता है और WhatsApp पर जब हमारा वीडियो शेयर होता है तो अब हमें इससे कोई फ़ायदा नहीं होता है, क्योंकि WhatsApp पर पिक्चर इन पिक्चर मोड है और वो वीडियो वहीं प्ले हो जाता है। और किसी बंदे को अगर वीडियो पसंद आता है जो हमारा वीडियो WhatsApp पर देख रहा है तो वहाँ कोई लाइक का ऑप्शन नहीं है, उस वीडियो को लाइक भी नहीं कर सकता है और सब्सक्राइब का भी कोई ऑप्शन नहीं है। अगर उस बंदे को सब्सक्राइब भी करना है तो वहाँ पर सब्सक्राइब भी नहीं कर सकता है। और रही बात वॉच टाइम की, तो वो उस वीडियो पर वॉच टाइम भी काउंट नहीं होता, क्योंकि वो वीडियो WhatsApp पर प्ले हो रहा है पिक्चर इन पिक्चर मोड में, यूट्यूब पर प्ले नहीं हो रहा है। तो इस तरह हम यूट्यूबर को लॉस ही लॉस है। लेकिन ये जो सेटिंग्स है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सेटिंग्स है जो यूट्यूब दिया हुआ है, जिसे हमें हर एक वीडियो में कर लेना चाहिए। सो गाइस, आपको करना क्या है, आप जब भी अपने वीडियो को पब्लिश करते हैं उससे पहले आप अपने वीडियो में अलाउ एम्बेडिंग को यहां से ऑफ कर दीजिए और ऑफ करने के बाद यहां से सेव कर दीजिए। देखिए इसका फायदा क्या होगा, अब से आपका वीडियो अगर कहीं भी शेयर होता है WhatsApp के अलावा, कहीं भी Instagram, Facebook या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपका वीडियो शेयर होता है तो कोई भी आपके वीडियो लिंक को टच करता है, क्लिक करता है, डायरेक्ट YouTube पर चला आएगा, वो वीडियो वहां प्ले नहीं होगा। आप ट्राई करके देख लीजिएगा, अगर आपका वीडियो WhatsApp पर शेयर होता है और आपके लिंक पर कोई क्लिक करता है और आप अपने वीडियो में अलाउ एम्बेडिंग को ऑफ करके रखे हैं तो बंदा डायरेक्ट आपके चैनल पर आ जाएगा। और जब आपके चैनल पर आएगा तो भैया यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन हैं, लाइक कर सकता है, कमेंट कर सकता है और पसंद आए तो सब्सक्राइब कर सकता है। तो इस तरह आपको ये सेटिंग्स अपने हर वीडियो में करके रखना चाहिए, इसका बेनिफिट आपको बहुत सारा मिलने वाला है। क्योंकि जब समझ गए कि अलाउ एम्बेडिंग क्या है और हमें अपने वीडियो में अलाउ एम्बेडिंग को ऑफ करके रखना चाहिए या ऑन करके रखना चाहिए, तो आशा करते हैं आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप अलाउ एम्बेडिंग के बारे में पहले से जानते थे या नहीं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब अपना ख्याल रखिए। गुड बाय।